राजधानी दिल्ली के द्वारका जिले में मोहन गार्डन पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पकड़ी गई शराब को लेकर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करने के लिए जा रहा था। इस आरोपी को मॉर्निंग पिकेट ने पकड़ा और गाड़ी की तलाशी लेने के बाद पकड़ी गई अवैध शराब को जब्त किया। मामले की जानकारी देते हुए द्वारका जिले के डीसीपी संतोष कुमार मीणा ने बताया कि मोहन गार्डन पुलिस ने मॉर्निंग पिकेट पर एक कार को रोका और उसकी तलाशी ली, जिसमें से अवैध शराब के 6 बैग बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो इन शराब को बहादुरगढ़ से लाकर दिल्ली में सप्लाई करने वाला था। जो है मॉर्निंग टाइम में जो स्ट्रीट क्राइम होता है उसके चलते शुरू की गई है, और इसी मॉर्निंग पिकेट पे ईआरवी स्टाफ ने 872 क्वार्टर, जो मोहन गार्डन थाने का ईआरवी स्टाफ है, उन्होंने 872 क्वार्टर इलिसिट लिकर के बरामद किए हैं, और जो कंसर्न व्हीकल है जिसमें लिकर ट्रांसपोर्ट हो रही थी उसको भी सीज कर लिया गया है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि ये शराब जो है बहादुरगढ़ से लेके आ रहा था और पंजाबी बाग में इसको ये डिलीवर करना था। सोर्स और सप्लाई को लिंक करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस आरोपी के साथ और कोई शामिल तो नहीं।